तो जी इस बार हमारा सफर शुरू हो गया था हिमाचल प्रदेश के हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट स्पीति की तरफ, और इस सफर में मेरे साथ थे इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल के खास मित्र कंचन भाई, कंचन के खास मित्र मनु सर और हम सबके खास मित्र रिंकू भाई। इस सफर के पहले दिन अपनी शैडो को आर्मर के पीछे लोड करके हम हिमाचल की राजधानी शिमला में एक बेहद खूबसूरत सनसेट देख पहुंचे अपने नाइट स्टे नारकंडा। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज शरद त्यागी एंड वाचिंग माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर लेट मी टेल यू, करेंटली द स्पीति सीरीज इज गोइंग ऑन एंड राइट नाउ आई एम इन नारकंडा। यस्टरडे वी स्टेड इन होटल हाटू HP TDC 1 फ्रॉम हिमाचल टूरिज्म, नाइस रूम्स, यू कैन बुक इट ऑनलाइन एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हाटू पीक, द हाईएस्ट पीक इन द शिमला रीजन, After which we will continue our journey towards Kalpa. समुद्र तल से लगभग 8,600 फीट की ऊंचाई पे होने के कारण नारकंडा का नाइट स्टे आपकी बॉडी को स्पीति के हाई ऑल्टीट्यूड्स के लिए तैयार करने में काफी मदद करता है। So we have reached the Hattu Peak. कैसे लग रहे हैं नजारे कंचन भाई हाटू पीक के? ये हाटू मंदिर है, हाटू माता का, जिसकी लोकल्स में काफी मान्यता है। ये मंदिर मेरे सामने ही बना है, पहले बहुत छोटा सा था। Look at the views. From the majestic Hattu Peak, 360 degree views. So somewhere that side is Jalori Pass, वो जिस पे बर्फ दिख रहा है ना ऊपर, और ये जो ये दिख रहे हैं ना किन्नौर और स्पीति रेंजेस। नारकंडा से 8 किलोमीटर की पतली सड़क आपको लेके जाती है शिमला रीजन की सबसे ऊंची पीक्स में से एक हाटू पीक पर, जहाँ की 360 डिग्री व्यूज आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। 11,152 फीट की ऊंचाई पर स्थित हाटू पीक पर जबरदस्त नजारों के साथ साथ माँ काली का एक बेहद आकर्षक व प्राचीन मंदिर भी है, जिसके पास ही कुछ बड़े पत्थर चूल्हे की तरह आकृति बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे लोकल्स पांडवों का खाना बनाने का चूल्हा भी बताते हैं। तो अगर आप किन्नौर या स्पीति जा रहे हैं तो हाटू पीक को अपनी आइटनरी में अवश्य रखें। तो चल रही है हम वापस हाटू पीक से, नारकंडा जो है यहाँ से 7 किलोमीटर, और शुरू करते हैं अपनी रोड जर्नी टूवर्ड्स कल्पा। सही है कंचन भाई? एकदम सही है दोस्त। मनु सर रेडी? चलो फिर। सो हियर द राइड स्टार्ट्स एंड वी लीव नारकंडा नाउ। सो फर्स्ट आई नीड टू फ्यूल अप। सो वी हैव फिल्ड 14 लीटर्स ऑफ फ्यूल, 14.28 एट द रेट 98.09 रुपीज पर लीटर एंड द कॉस्ट इज 1400 in Larkanda, Himachal Pradesh. नारकंडा से तेजी से नीचे आ रहे हैं हम, तो मेरे कान फिर से बंद हो गए, जैसे फ्लाइट्स नहीं होता है मेरे साथ, ये बहुत होता है। So the valley in the view is Satluj. नारकंडा से काफी नीचे आके सतलुज नदी की घाटी में मिलता है रामपुर बुशहर, जहां आपको हर छोटा बड़ा जरूरत का सामान या मैकेनिक मिल जाता है। यहाँ शेडो को नहला धुला के और अपनी पेट पूजा कर हम लोग आगे बढ़ गए किन्नौर की ओर, जो कि स्पीति का पड़ोसी होने के साथ साथ चितकुल, कल्पा और नाको जैसे बेहद खूबसूरत गांवों का घर भी है। किन्नौर में प्रवेश करते ही मिलती है गेटवे ऑफ किन्नौर के नाम से फेमस ये आश्चर्यजनक रॉक टनल, इसमें से होके गुजरना अपने आप में एक अलग ही एडवेंचर है। रामपुर से 17 किलोमीटर आगे बढ़ने वाले ज्यूरी से लेकर टापरी तक लगभग 45 किलोमीटर लंबा ये रास्ता खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जिसमें एक तरफ तो हजारों फीट गहरी खाई है तो दूसरी तरफ खड़ी चट्टानें, जिससे पत्थर गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है। भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में शुमार इस रोड पर गाड़ी चलाते समय बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह एडवेंचर करते हुए हम जा पहुंचे अपनी उस दिन की मंजिल और किन्नौर के अनमोल रत्न कल्पा गांव में। So finally we have reached our hotel Kalpa mansion in Kalpa. So let's pack up and end the day. The next day. So ये है amazing views of Kalpa. And if you want to see Kinnar Kailas, let me try to show you. So this one is Kinnar Kailas. You see it?
किन्नर कैलाश या किन्नौर कैलाश समुद्र तल से 6050 मीटर ऊंचा एक पर्वत है, जिसकी चोटी के समीप स्थित प्राकृतिक शिवलिंग इसे हिंदू तथा बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना देता है। कल्पा से शुरू होने वाली किन्नर कैलाश चोटी की यात्रा बेहद जटिल व खतरों से भरी हुई है, जिसकी परमिशन साल के सिर्फ कुछ दिनों ही होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त महीने में मिलती है। तो कल्पा के बेहद खूबसूरत व अविस्मरणीय नजारों का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ चले थे अपनी मंजिल स्पीति की ओर, और जल्द ही हम पहुंच गए किन्नौर के लगभग आखिरी और सबसे ऊंचे गांव नाकू में, जो अपने 365 डिग्री व्यूज वाले हेलीपैड, एक खूबसूरत झील व तेज हवाओं के लिए बेहद प्रसिद्ध है। और यहां से स्पीति अब ज्यादा दूर नहीं था। क्या आप चंडीगढ़ के सेक्टर 13 में कभी गए हैं? यह चंडीगढ़ का सेक्टर 13 है, स्पीति वैली में, फुलिंग गांव में, है ना, मजेदार चीज। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये रोड बन रहा था तभी चंडीगढ़ भी बन रहा था, और यहाँ के लोगों को ऑफर दिया गया कि आप जमीन दे दें, हम आपको सेक्टर 13 में जगह देंगे। तो वो तो कभी हुआ नहीं, तो यहाँ के लोगों ने सेक्टर 13 का चंडीगढ़ का बोर्ड यहीं पे लगा दिया। सो जब भी स्पीति वैली आए, चंडीगढ़ के सेक्टर 13 को जरूर देखें। मुरलिंग विलेज में ताबो से करीब 20 किलोमीटर पे पहुंच गए हमारी मंजिल टाइगर्स टेन, जो कि है कुछ ऐसा। इसे चलाते हैं मेरे पुराने दोस्त राणा जी, द ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी इन ताबो। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पड़ने वाला हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट का इलाका है, जिसे आप छोटा लद्दाख भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नज़ारे और भूगोल काफी कुछ लद्दाख की तरह है। तिब्बत से सटे होने के कारण प्राचीन काल से स्पीति हिंदुस्तान और तिब्बत का व्यापारिक केंद्र रहा। ताबो से अपना सफर शुरू कर हम लोग पहुंचे धनकड़, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होने के कारण प्राचीन समय में स्पीति की राजधानी भी रहा है, जिसकी गवाही यहाँ का किलेनुमा मठ आज भी देता है। धनकर में एक खूबसूरत झील भी है, जिसको देखने के लिए 2 घंटे का पैदल ट्रैक करना होता है। धनकर के खूबसूरत नजारों को देख के हम आगे बढ़ गए स्पीति के आज के समय के हेडक्वार्टर काजा की ओर। ये देखो लाइव टोर्नेडो स्पीति वैली में, ये धूल के गुब्बार हवा के कारण उठते रहते हैं। कभी कभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े बड़े टोर्नेडो भी बन जाते हैं, खासतौर से काजा से आगे, काजा और लोसर के बीच। स्पीति घाटी भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है, और यहाँ के नज़ारे आपको चकित भी कर सकते हैं। ऐसे ही चकित कर देने वाले नज़ारों को देखते देखते हम पहुँच गए काजा, जहाँ पर मेरे पुराने दोस्त तेंजिन ने हमारा स्वागत किया सीबक थोन की चाय पिलाकर, जो स्पीति की स्पेशलिटी है। तो सीबक थोन टी और काजा के नज़ारों के लुत्फ लेने के बाद अगले दिन हम निकल गए स्पीति के 3 बेहद खास गाँवों की ओर, जिनमें पहला था लांगजा। समुद्र तल से लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लांगजा गांव वैसे तो अपने बुद्धा स्टैच्यू के लिए फेमस है, लेकिन इसे फॉसिल विलेज ऑफ स्पीति भी कहते हैं। लांगजा में बिगड़ते मौसम को देख हम आगे बढ़ गए कॉमिक विलेज की तरफ, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल विलेज इन द वर्ल्ड भी है। क्या नाम है तेरा? So, हम पहुंच गए हैं कॉमिक, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। And these are the views at Comic, and that is a monastery. मैं कई बार देख चुका हूँ तो नहीं गया ऊपर, बाकी लोग गए हैं। And look at that Thar, it has a Hulk on its roof. Interesting, right? So यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, and it calls itself world's highest restaurant. यहाँ जो कुछ भी है वो world's highest ही है। So, the current Spiti views it comic, along with Hikkim and Langza. A bit of snowfall here as well. तो चलते हैं आज के last destination, Hikkim की तरफ, जहाँ है world's highest
पोस्ट ऑफिस। हम लोग पहुंच गए हिक्किम आज की फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, एंड यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है। पहले जो पोस्ट ऑफिस होता था, विच इज हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, होता था नीचे गांव में, बट अभी ये है पूरा हिक्किम गांव, और अभी उसको शिफ्ट करके यहाँ कर दिया है बाय द रोड, विच इज इन अ वे गुड फॉर पीपल। नीचे जाके वापस ऊपर नहीं आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे गए हैं लोग, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं पोस्ट कार्ड्स अपने लव्ड वंस के लिए। सो ये यहाँ की बड़ी फेमस एक्टिविटी है, यहाँ से आप पोस्ट कार्ड लेके किसी को भी इंडिया में या इंडिया से भी बाहर भेज सकते हैं। और इट विल बी हैविंग अ कोट लाइक सेंट फ्रॉम द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट इज हिक्किम अबाउट। एंड अभी हम इसी रोड से आगे जाएंगे, और वो सामने वाला रोड देख रहे हो, वो रोड लेके नीचे काजा की तरफ मिल जाएंगे। सो आज हमने टूर किया लांगसा, जहाँ पे देखा बुद्ध स्टैचू, फिर देखा कॉमिक, और फिर देखा हिक्किम। अभी मैं लगभग रेडी टीम से चलने के लिए, इसी टीम के बाकी लोग आ जाते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हियर। लांगजा कॉमिक और हिक्किम देखने के बाद बारी थी काजा वापस जाने की। अगले दिन तेंजिन और उसकी प्यारी सी बेटी से मिलकर काजा से हम निकल गए स्पीति के सबसे प्रसिद्ध मठ की गोम्पा की तरफ, जहां मोनास्ट्री देखने के साथ साथ हमने छोटे छोटे लामाओं के साथ रील भी बनाई, जिसमें बड़ा मजा आया। की गोम्पा से हम किब्बर होते हुए पहुंचे चीचम ब्रिज, जो कि 4037 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा ब्रिज है। चीचम ब्रिज पर कुछ और रील्स बना के फाइनली हम बढ़ गए लोसर गांव की ओर, जहां से कुंजुम पास होके चंद्रताल व मनाली भी निकला जा सकता है, पर बर्फ के कारण अभी लोसर के आगे रास्ता बंद था। स्पीति के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि यहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की एक भी FIR आज तक दर्ज नहीं हुई है। इसका मतलब है कि ये महिलाओं के लिए भारत ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर सबसे सेफ जगहों में से एक है। हमारा प्लान था कि लोसर के आगे या पीछे किसी शांत और सुंदर सी जगह पर कैंपिंग करेंगे और खाना बनाएंगे, जिसके लिए सारा जरूरी सामान हमने काजा से ही ले लिया था। मैं लोसर के आसपास पहले 3 बार कैंप कर चुका था, पर बाकी साथियों के लिए ये पहला अनुभव था। स्टाइल से खड़ा ये पत्थर। लोसर के आगे बर्फ ज्यादा होने के कारण हमने फाइनली मोरांग गांव के पास एक बड़ी ही प्यारी सी जगह को सिलेक्ट किया अपने रैन बसेरे के लिए। सो फाइनली कैंपिंग साइट फाइनल कर ली गई है। मोरांग गांव से 3 किलोमीटर पहले बाय द हाईवे, एंड करेंटली वी आर सेटिंग अप द कैंप्स। अमेजिंग लोकेशन राइट। ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे पानी नहीं है आसपास कहीं भी। 2 किलोमीटर आगे और नदी पर जाने का रास्ता तो था, बट हम होपफुल है कि 2 किलोमीटर आगे मोरांग गांव भी है, वहाँ से भी शायद पानी हमें मिल जाएगा। 15 लीटर हम कैरी कर रहे हैं, मे बी अराउंड 15 लीटर्स विल बी इनफ फॉर अस। सो लेट्स रॉक टुनाइट। उस रात कंचन भाई, मनु सर, रिंकू भाई और मटर पनीर के साथ साथ करोड़ों तारों ने कुछ ऐसा समा बांधा कि हम सब भूल ही गए कि हम एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट में हैं। अगली सुबह जब हम अपने टेंट से बाहर आए तो पता चला कि हमारा कैंप एरिया दरअसल याकों के चरने की जगह है, जिसके बाद फटाफट पैकअप कर हमने शुरू कर दिया अपना वापसी का सफर। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।